बस्ती से जहां गरीब बच्चों के स्कूल ड्रेस के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ का कहना है कि यूनिफॉर्म के नाम पर अधिकारी करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। बस्ती में गरीब बच्चों के मुफ्त यूनिफॉर्म को लेकर बवाल मचा है। शिक्षक संघ ने शासन के खिलाफ करोड़ों के घपले का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला के मुताबिक इस बार जिस तरह से ड्रेस खरीद की नीति अपनाई जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार को खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारी द्वारा यहाँ सहायता समूह के को जिला प्रशासन के नाम पर की सहायता समूह को ड्रेस आपूर्ति किया जाए, वो ये आदेश निकाल दिया। उसी के क्रम में बस्ती जिले के 14 ब्लॉक और नगर पालिका सभी 15 जगह पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा हेडमास्टरों को बुलाकर बीआरसी पर मीटिंग बुलाया और मीटिंग में जबरन क्रय आदेश पर दस्तखत करवा लिया। गौरतलब है कि बस्ती में प्राइमरी स्कूलों के करीब 3 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। नियम के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से पहले टेंडर निकलता है, फिर ठेकेदार का चयन होता है। लेकिन इस बार ड्रेस खरीद का कार्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बजाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे दिया गया है। हालांकि शासन पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है। तीनों जिलों में हर साल ड्रेस की खरीद की जाती है और ड्रेस खरीद के संबंध में निर्देश ये है कि जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है वही ड्रेस की खरीद करेगी, ताकि ड्रेस की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो गांव में उपस्थित स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हर एक गांव में बने हुए हैं, उनके माध्यम से ड्रेस का वितरण सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि सरकार पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कूली ड्रेस की व्यवस्था कराती है। एक फर्म को फायदा पहुंचाने के मामले में उन्नाव जनपद के बीएसए के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है और अब बस्ती में इस तरह का मामला सामने आया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।